हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल इंड स्ट्राइक सो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक जो कि मैंने किया है टीन एजर्स के लिए और अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तब भी आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं भी बहुत अच्छा लगता है ऑफिस में भी ऐसा सिंपल एंड नेचुरल मेकअप लुक सो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय का टोनर और ये ऑल स्किन टाइप्स है सो so ये टोनर काफ़ी अच्छा है एल्कोहल फ्री है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं तो टीन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है तो ये टोनर आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देगा अच्छे से प्रिपेयर कर देगा मेकअप के लिए और इसके बाद मैं यूज करूंगी हिमालय बेबी क्रीम एज टीन की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है एंड ड्राई साइड पे होती है ज्यादातर मैंने देखा है कि ड्राइनेस बहुत हो जाती है जब हम मेकअप करते हैं एंड ये आपकी स्किन को ना तो ऑयली करेगा ना ड्राई करेगा तो हिमालय बेबी क्रीम काफी अच्छा ऑप्शन है आप इसे एज ए मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं उसके बाद मैं लिप बाम लगा रही हूँ आप कोई भी लिप बाम लगा सकते हैं ताकि आपके लिप्स जो है वो ड्राई uh, ना हो और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी पोन्ट्स बेबी क्रीम सो so, पोन्ट्स बेबी क्रीम में मेरा शेड नेचुरल है एंड इसमें जो है एस भी होता है तो आपको सनस्क्रीन की कोई ज़रूरत नहीं है सो so, मैं इसे अपने फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी और ये काफ़ी अच्छा कवरेज देता है नेचुरल सा कवरेज देता है तो अगर आप टीन एजर्स हैं या फिर ऑफिस गोइंग मेकअप आप कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहता है ये बीबी -बी क्रीम मुझे काफ़ी अच्छी लगती है मैं काफ़ी सालों से इसे यूज़ कर रही हूँ बहुत ही नेचुरल फिनिश आती है और मैं अब इसे ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ये वेट ब्यूटी ब्लेंडर है पानी निचोड़ के आपको यूज़ करना है डैप डैप करते हुए आपको यूज़ करना है या फिर आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं नीचे की ओर ब्लेंड करना होता है जब आप फिंगर्स की हेल्प से करते हैं तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेब्लिन वाइट सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट और ये बहुत ज़्यादा ना बेसिक सा कॉम्पैक्ट है सो so, ये टीन के लिए या फिर ऑफिस गोइंग हैं आप आप थोड़ा सा नेचुरल मेकअप करना चाहते हैं तो लैक्टोकैलोमाइन के ऊपर भी ये कॉम्पैक्ट लगाएंगे ना काफ़ी अच्छी लुक आएगी काफ़ी अच्छा ग्लो आएगा आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं मैंने लैक्टोकैलोमाइन से भी मेकअप किया है तो इसे भी मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी डैब डैब करते हुए इससे आपका जो बीबी क्रीम आपने लगाया है वो सेट हो जाएगा अब मैं यूज़ कर रही हूँ ट्राई शुगर का ब्लेंड द रूल्स आई शेडो क्वेड और ये शेड है एट एंड इसमें से जो मैं मैट शेड है वो लूँगी जो कि ब्राउनिश न्यूडिश का शेड है तो नेचुरल मेकअप लुक करने के लिए न्यूड शेड बहुत ही अच्छा लगता है आईलेट पर मैं लगा रही हूँ और इसमें कोई ब्रश की ज़रूरत नहीं है आपको क्योंकि टीन ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने फिंगर्स की हेल्प से भी इसे लगा सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रश से ही लगेगा तो मैंने अपने आईलेट्स पर लगा लिया है ब्राउन शेड न्यूड शेड है बिल्कुल एंड अब मैं अपने आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ आईब्रोज़ को अगर आप सेट कर लेते हैं तो मेकअप लुक बहुत ही अच्छा लगता है तो ये मिनीसो का आईब्रो पेन है और इसमें जो है ब्रश भी दिया हुआ है बहुत ही अफोर्डेबल है आप ले सकते हैं इसे टू तो फिफ्टी रुपीज़ में मैंने लिया था आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं कोई भी आपको मिल जाएगा मेबलिन काफ़ी अच्छा है तो वो ले लीजिए और बिल्कुल लाइट हैंड से आपको यूज़ करना है अगर आप ज़्यादा डार्क कर लेंगे ज़्यादा ज़ोर से इसे प्रेस करेंगे तो वो काफ़ी गंदा लगता है बहुत ही गंदा लगता है और आईब्रोज़ को सेट करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से आप सेट कर सकते हैं बहुत नेचुरल लुक आता है उसके बाद मैं ये शुगर का काजल यूज़ कर रही हूँ अपने वाटर लाइन पे यूज़ कर रही हूँ स्मज प्रूफ़ है और अगर आपको लगता है कि आपकी आईज़ ज़्यादा वाटरी हैं या फिर स्मज हो जाती हैं तो आप लिक्विड लाइनर यूज़ कर सकते हैं आई लाइनर लगा के इससे और उसके बाद लिक्विड लाइनर उसके ऊपर चला दीजिए तो वो लॉक हो जाएगा अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेब्लिन हाइपर कर्ल मस्कारा और आपको इस तरह से वॉन्ड को साफ़ करके और फिर अपने लैशेस पे लगाना है नहीं तो प्रोडक्ट जो है वो एक साथ इकट्ठा हो जाता है और काफ़ी नेचुरल आपको ये लुक देगा सिर्फ कर्ल करेगा अच्छे से वॉल्यूम नहीं इतनी देता है लेकिन कर्ल बहुत अच्छे से करता है आपके लैशेस को तो काफ़ी नेचुरल लग रही हैं आप देख सकते हैं उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ शुगर का ब्लश और ये है कंटूर दी फोर्स मिनी ब्लश एंड इसमें शेड है मेरा ज़ीरो टू पिंक पिनैकल और यहाँ पे मैं कंटूरिंग नहीं करूँगी सिर्फ ब्लश ही लगा रही हूँ इतने अच्छे से आपको लगाना है अपने चीक्स पे और अपने चीक्स को डिफ़ाइन करते हुए कि कंटूरिंग की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो काफ़ी अच्छा शेड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिपस्टिक और ये मेरा फेवरेट पार्ट है मेकअप में सो so, यहाँ पर मैंने लिया है मैक वेलविथ डेडी शेड है और काफ़ी अच्छा शेड है मैंने लिप ग्लास को नहीं हटाया अपने लिप्स से और क्योंकि मैं ग्लासी लिप्स चाहती थी वैसे ये मैट है शेड और काफ़ी अच्छा काफ़ी नेचुरल शेड है एंड गर्ल्स को काफ़ी अच्छा लगता है ऑफिस गोइंग है बहुत ही अच्छा लगेगा ये शेड तो आप देख सकते हैं कितना न्यूडिश सा प्यारा सा शेड है एंड ये मेरा फाइनल लुक है तो इस तरह से आप मेकअप कर सकते हैं एंड मेकअप ऑयल फ्री भी रहेगा लंबे समय तक टिकेगा भी और बहुत ही नेचुरल लुक आएगी सो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाय टेक केयर